अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है व्हाट्सएप पे, जिसमें बरेली के ही कुल्हाड़ा पीर इलाके की वीडियो है, जिसमें मस्जिद के इमाम साहब को एक इंसान बहुत ही बेतरह से गालियाँ बक रहा है और उन्हें मार भी रहा है साथ में। तो उनसे मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि मस्जिद की जो जगह है, मस्जिद की जगह को लेके विवाद हो रहा है, तो उनके हुजरे में भी ताला मार दिया गया है इमाम साहब के, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, और मस्जिद की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा जा रहा है कि मतलब मस्जिद की अगर हुजरा है भी तो उस पर आप अपना कब्जा कायम करना चाह रहे हैं। और मस्जिद के इमाम, जो नमाज जिसके पीछे हम लोग पढ़ते हैं, इमाम का एहतराम करना आया, तो उन मस्जिद के इमाम साहब को गाली गलौज करने में भी नहीं छोड़ा जा रहा, और यहाँ तक कि इतनी बदसुलूकी कि उनके ऊपर हाथ भी उठाया जा रहा है। वो बरेली के ही मदरसे से तालीम हासिल कर रहे हैं, और वहाँ कुल्हाड़ा पीर में एक मस्जिद है कब्रिस्तान के पास में, वहाँ पे वो इमामत भी करते हैं। तो इतनी बुरी तरीके से उन्हें जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है, गाली गलौज कराया जा रहा है, और हमारे मुस्लिम भाई हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं तमाशा। वहीं पे कुल्हाड़ा पीर पे निहारी वाले हैं, मशहूर काफ़ी उनकी निहारी है और उनका होटल है, उन्होंने अवैध मेरे ख्याल से कब्जा कर रखा है हुजरे पे। तो उन्होंने दो पार्टियों में आमने सामने आने पर हुजरे में उन्होंने, निहारी वालों ने अपना ताला मार दिया है, और इमाम साहब को भी उस हुजरे से निकाल दिया गया है, और उनको बहुत ही बुरी तरीके से बदसुलूकी कर कर उनके ऊपर मतलब गाली गलौज करना और मारा पीटी का भी काफ़ी वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप लोगों को मैं एक छोटी सी क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोग ये बताना, इस इंसान ने इमाम साहब के साथ सही किया है या गलत किया है? अगर गलत किया तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और मैं कोशिश यही करता हूँ दरगाह आला हज़रत की तरफ से कि इस इंसान के लिए सख्त से सख्त ऑप्शन उठाना चाहिए, और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो इनसे कोई भी सामान ना खरीदें, क्योंकि जो इमाम का नहीं वो हमारा नहीं। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम दीन की तालीम जो है हम तक पहुंचाता है, अपने सीने में कुरान को बिठालता है, फिर उसके बाद वो हमारी मस्जिदों में आके तिलावत कुरान करते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, और हमारी बुनियादों को संवारते हैं, और हमें आखिरत का जरिया ही बताया कि हमें इस्लाम पर किस तरीके से चलना चाहिए। आज उन्हीं इमामों के साथ में इतनी बदसुलूकी के साथ में ये इंसान पेश आ रहा है, कुछ पूछिए मत। ये आप वीडियो जरूर देखिए। क्या काटना है? क्या काटना? उजरा लेना अभी इमाम साहब का। कौन सा उजरा? ये उजरा, ये उजरा हमारा है। तुम्हारा है? हाँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा है। मुड़की मत दे। अरे मुड़की मत दे। हर बात अच्छी तेरी भाग के चुत तेरी। अरे तेरी भाग का मुड़ गया ये बदतमीजी। चलो अरे हर तेरी भाग का चुत तेरी। अरे बुला आ रहा। अरे तेरी भाग की चुत तेरी। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि कितनी बुरी तरीके से गाली गलौज की जा रही है, इमाम साहब का गिरेमान तक इस इंसान ने पकड़ा है, और उनको मारने के लिए हाथ तक उठाया, उनको हाथ तक मारा है, और वहाँ की पब्लिक खड़े होकर देख रही है आराम से। ये नहीं कि इमाम साहब को बचाया जाए, उस इंसान को अकेला, वो इंसान जो कह रहा है कि ये मेरा हुजरा है, मैं हूँ यहाँ का मालिक, उस इंसान को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।